गाइस, मैं हूँ फूड जॉकी हैप्पी और मैं हूँ फिटनेस एक्सपर्ट निशि। वेलकम टू फिटलिशियस फूड्स। तो निशि, आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल बट एलिगेंट रेसिपी, जो कि है स्क्रैम्बल्ड एग विद ब्रेड। स्क्रैम्बल्ड एग बेसिकली एक कॉन्टिनेंटल एग भुजी है, जिसे हम इंडिया में भुजी कहते हैं, बट उसको स्क्रैम्बल्ड एग बनाया जाता है कॉन्टिनेंटल फूड में, जो कि एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जिसके अंदर हम एग योक और एग वाइट दोनों काम में लेंगे। और इस तरीके से बनाएंगे हम आज टोस्ट ब्रेड विद स्क्रैम्बल्ड एग। People keep saying that only egg white is healthy. They say that egg yellow part of egg is not healthy. So I want to tell you that yellow part of egg is as healthy as white. राइट, बिल्कुल निशि एकदम सही कह रही हैं। एग योक भी उतना ही हेल्दी होता है, पर जो जो लोग बेसिकली वेट ट्रेनिंग करते हैं या जिमिंग करते हैं, उनके लिए एग वाइट यानी कि हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, वो उनके लिए अच्छा होता है। बाकी जो नॉर्मल लोग जिनको अच्छा हेल्दी खाना है, वो एग योक भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले स्क्रैम्बल्ड एग। और निशि, जब तक आप मेरे, प्लीज़ ये ब्रेड को टोस्ट कर देंगी। सबसे पहले मैं डालता हूँ एक एग इसमें, साथ ही मैं यूज कर रहा हूं दूसरा एग। राइट, और हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। और साथ ही मैं डालूंगा निशि इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क, जो इसको एक अच्छा येलोइश टेक्सचर दे देगा। थोड़ा सा मिल्क, और अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। आप चाहें तो पहले किसी बॉल के अंदर आप अपने एग्स को तोड़ सकते हैं, जो आपके एग्स हैं, और फिर उसको मिक्स करके बीट करके फिर आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे टोस्टर का यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर ब्रेड को टोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिंपल पैन पे भी आप ब्रेड को टोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट रेसिपी, कॉन्टिनेंटल फूड का ये दिल है, हर जगह बनाई जाती है, हर जगह खाई जाती है, काफी आसान भी है। जी बिल्कुल, सिंपल से आपने दो अंडे ले लिए, तोड़ लिए पैन के अंदर, साथ में थोड़ा सा मिल्क डाल दिया। अभी थोड़ा सा मैं इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर देता हूँ निशि, थोड़ा सा सॉल्ट। राइट, और इसको थोड़ी सी देर अच्छी तरह मैं हिलाता के मिक्स करता रहता हूँ, ताकि ये अच्छी तरह जो योक है ये पक जाए। ये देखिए, ये कॉग्यूलेट होना शुरू हो गया है, पकना शुरू हो गया है। और मीनवाइल मेरी ब्रेड भी रेडी है थोड़ी बहुत। राइट, चलिए इसको अच्छी तरह और थोड़ा सा मिक्स करते हैं हम। आप ध्यान रखिए, जब भी आप स्क्रैम्बल्ड एग बना रहे हैं, तब आप हमेशा इसको पकाते रहें, हिलाते रहें, वरना क्या होता है, जो स्क्रैम्बल्ड एग होता है इसका ऑमलेट बन जाता है। तो हमें ऑमलेट नहीं बनाना है, स्क्रैम्बल्ड एग बनाना है। तो ये निशि, मेरा स्क्रैम्बल्ड एग रेडी है, और मेरे को लगता है आपकी ब्रेड भी रेडी है। तो चलिए हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तैयार है हमारे स्क्रैम्बल्ड एग विद टोस्ट ब्रेड। ये आप खाइए, बनाइए और सबको खिलाइए, क्योंकि ये सबसे हेल्दी रेसिपी है। ब्राउन ब्रेड के साथ बना के खा सकते हैं, खिला सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि हमारी किचन का मकसद है सिर्फ हेल्दी रहना। इसलिए अब आपको निशि सिखाएंगी एक एक्सरसाइज, जो कोई आपको हेल्प करेगा हेल्दी रेसिपी में। राइट, श्योर, व्हाई नॉट। तो चलते हैं हमारे एक्सरसाइज सेगमेंट की ओर। Abs, it gives you flexibility, it is good for your back and improves your mood, improves your posture. Let's see how this exercise is done. This exercise is called as plank. Look at the posture. Tighten your stomach, tighten your abs like you're getting a punch on your stomach. Squeeze your glutes, your tailbone and your thighs and try to breathe normally. So doing this exercise for 20-30 seconds a day gives you lot more power. Now, if you can do this exercise for 2 minutes, that means you're really, really fit. If you do it in the right posture, you don't need to do it more than this time. You don't need to give it more energy, more time to it. But try to do it for at least 30 seconds for 3 reps. 30 seconds, then 1 minute break, and then do it again. 30 seconds, then 1 minute break, and then do it again. Do it for 3 times, and it's going to give you a lot of good results. This exercise is Fitlicious exercise of Fitlicious foods. I hope you like it. Please follow us on Facebook. You can watch our videos on YouTube, and you can visit our website. So I hope you like it, and you follow us.
I'll meet you in the next episode. Bye.